झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड ऑफिस में सोमवार को राज्य के लगभग 4000 विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल इस वर्ष के 12वीं जैक बोर्ड में 4 लाख छात्र शामिल हुए थे, उसमें से लगभग 34000 बच्चों को फेल कर दिया गया है। इसी का विरोध करने के लिए आज सुबह 9 बजे से ही भारी संख्या में छात्रों ने कार्यालय का घेराव किया। छात्रों का कहना है कि कोविड के कारण परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। हम 11वीं में पास थे तभी हमें 12वीं में परीक्षा में बैठने की इजाजत मिली। जब 3.35 लाख छात्रों को पास कर दिया गया तो हमें किस आधार पर फेल किया गया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।